नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, और आज के पॉडकास्ट के लिए एक बेहद ही डरावनी और एकदम सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी लेकर के आ चुका हूँ। साथियों, आपने राजस्थान की कुलधरा की जगह के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी। खैर, जो लोग उन चीज़ों को मानते हैं वो तो वहाँ की सच्चाई को जानते हैं और कभी भी वहाँ पर जाने की गलतियाँ नहीं करते, और अगर दिन में घूमने भी जाए तो रात में रुकने की भूल तो कतई भी नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस जगह को टूरिस्ट हब मानकर वहाँ घूमने के लिए जाते रहते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने वाला हूँ जो पहले भूत प्रेत जैसी चीज़ों को नहीं माना करता था, लेकिन फिर उस इंसान की उसी जगह पर पोस्टिंग हो जाती है। दरअसल वो आदमी पुरातत्व विभाग में सरकारी कर्मचारी है, उनका नाम है जनार्दन जी। तो एक बार जनार्दन जी की पोस्टिंग राजस्थान के इस कुलधरा वाली जगह पर हो जाती है। दरअसल सरकार उस जगह पर कुछ खुदाई करवा रही थी क्योंकि वहां से पुराने समय के कुछ चांदी के सिक्के और खजाना मिल रहा था। तो उसकी जांच करने के लिए जनार्दन जी को वहां पर भेजा गया था। लेकिन जब जनार्दन जी वहां पर पहुंचे तो वो केवल दो ही रात वहां पर रुक पाए, और वो दो रातें उनके लिए अपने जीवन की सबसे भयानक रातें थीं। अब वो तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं भगवान का हाथ था जो वो उस जगह पर जाकर और दो रातें बिताकर भी सही सलामत है और जिंदा बच गए। लेकिन वहीं पर उनके साथ जो कर्मचारी थे उनकी मौत हो जाती है। तो जनार्दन जी ने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की है कि कुलधरा के उस गांव में उनके साथ कितनी भयानक घटना हुई थी। अक्सर कुलधरा के बारे में कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। अब सभी लोग वहां की अलग अलग कहानियां बताते हैं। अब खैर, उन कहानियों के बारे में तो मैं यहां पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन ये बात सही है कि वो गांव आज भी भूतों का गांव है। अब कुछ लोग यकीन करते हैं तो कुछ नहीं करते, लेकिन मैं आपको आज जनार्दन जी की घटना बताने वाला हूं जो जनार्दन जी ने खुद हमें बताई है कि उनके साथ उस जगह पर कितनी भयानक घटना घटी थी। तो साथियों, कहानी को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अब तक भी अगर आप हमारी लॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो इस रिश्ते को दिल से मजबूत कीजिए। और जितने भी साथी कहानी को सुन रहे हैं वह एक छोटा सा और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें ताकि आखिर में हमारे लॉयल मेंबर्स का नाम लिया जा सके। तो साथियों, इस स्टोरी को हमें जनार्दन जी ने शेयर किया था, तो उसका अच्छे से नरेशन करके मैं आपको मेरे ही पर्सपेक्टिव से सुनाने वाला हूं। आसमान में बिखरे तारे और रात के सन्नाटे के बीच रात 2 बजे ट्रेन कुलधरा गांव पहुंचती है। कुलधरा जैसलमेर का एक छोटा सा गांव है जहां की आबादी अब शून्य के बराबर है, मतलब अब वहां बहुत ही कम लोग रहते हैं। जहां अब इक्का दुक्का ट्रेन ही पहुंचती है क्योंकि न कोई अब वहां जाता है न आता है। हाँ, कभी कभार इक्का दुक्का लोग गांव देखने पहुंच जाते हैं, वो बात अलग है। उड़ती बालू और तपती धूप में भी यहाँ की रातें बहुत ठंडी होती है क्योंकि रेत जितनी तेजी से गर्म होती है उतनी ही तेजी से ठंडी भी हो जाती है। रात के 2 बजे जनार्दन जी उस गांव में पहुंचे थे। वो पुरातत्व विभाग की ओर से उस गांव में भेजे गए थे। उस गांव को भूतों का गांव भी कहा जाता था। रात के 2 बजे उन्होंने स्टेशन से बाहर निकलना उचित नहीं समझा तो वो वहीं स्टेशन पर ही वो रुक गए। लेकिन रात के अंधकार में वो स्टेशन भी भयावह लग रहा था। वो स्टेशन मास्टर के टूटे फूटे केबिन में गए तो स्टेशन मास्टर उनको देखते ही डरकर चौंक गया और डरकर बोला, आप कौन हैं? जनार्दन जी बोले, अरे यार डरो मत, मैं कोई भूत वूत नहीं हूं, पुरातत्व विभाग की तरफ से इस गांव में कुछ खोज करने आया हूं। रात बहुत ज्यादा हो गई है तो मैंने यहां से बाहर जाना उचित नहीं समझा, और यहां कोई वेटिंग रूम तो है नहीं, सो मैं आपके पास यहां केबिन में आ गया। सुबह होने तक के लिए क्या मैं आपके साथ यहां इस केबिन में रात बिता सकता हूं क्या? स्टेशन मास्टर ने एक गहरी सांस भरी और खुद को शांत करते हुए बोला, हां हां बिल्कुल, आप मेरे साथ यहां रात बिता सकते हैं। जनार्दन जी ने अपना सामान वहां नीचे रखा और वहां पड़ी एक टूटी कुर्सी पर बैठ गए। स्टेशन मास्टर मन ही मन सोच रहा था, कितने दिनों बाद वो किसी को आधी रात में अपने साथ यहां स्टेशन पर और अपने साथ देख रहा है, वरना तो रात में बस यहां मेरे साथ मेरे भगवान हनुमान जी और यहां का वो जमादार होता है।
जमादार भी भला आदमी है जो मेरी मजबूरी समझ जाता है और रात में मेरे साथ यहाँ रुक जाता है। स्टेशन मास्टर का घर वहां से कुछ ही दूरी पर था। घर में उसकी बीबी और एक बूढ़ी माँ थी बस। जनार्दन जी उससे पूछते हैं, आपको यहाँ ऐसे अकेले डर नहीं लगता? वरना लोग तो यहाँ आने से भी कतराते हैं। स्टेशन मास्टर ने कहा, डर तो लगता है साहब, पर पापी पेट का सवाल है। कमबख्त सरकारी नौकरी है, कैसे छोड़ दूं इस महंगाई के दौर में। जनार्दन जी फिर उससे पूछते हैं, वैसे क्या आपने कभी कोई भूत देखा है? स्टेशन मास्टर ने कहा, नहीं साहब, वैसे मैं यहां लगभग 3 महीने से हूं, मैंने कभी कोई भूत यहां नहीं देखा। मैं यहां डर डर कर नौकरी करता हूं और हनुमान चालीसा का पाठ करता रहता हूं। स्टेशन मास्टर जनार्दन जी को अपने थर्मस से गर्मा गर्म चाय निकालकर एक कप में देता है और एक कप में खुद पीने लग जाता है। जनार्दन जी उस स्टेशन मास्टर से फिर पूछते हैं, वैसे इस गांव को भूतों का गांव क्यों कहा जाता है, क्या आप जानते हैं? स्टेशन मास्टर कहता है, साहब ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन यहां के बारे में एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि कुलधरा गांव रात ही रात में वीरान हो गया था। कुलधरा गांव की कहानी करीब 200 साल पहले शुरू हुई थी। 200 साल पहले यह गांव खंडहर और वीरान नहीं था। यहां के आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। कहा जाता है कि कुलधरा रियासत के दीवान जालिम सिंह की बुरी नजर गांव के मंदिर के पुजारी की बेटी पर पड़ गई। जालिम सिंह इतना हठी था कि उसने उस लड़की को अपनी जिद बना लिया। जालिम सिंह ने उस लड़की से शादी करने के लिए गांव के लोगों को चंद दिनों की मोहलत दी। लड़ाई अब गांव की एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं, गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। जब से आज तक ये वीरान गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है, जो अक्सर यहां आने वालों को अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराती हैं। जनार्दन जी बोले, ओह, तो ये कहानी है इस कुलधरा गांव की? स्टेशन मास्टर ने कहा, जी, मैंने तो बस यही कहानी सुनी है इस गांव के बारे में यहां के लोगों से। अब सुबह के 6 बजे रहे थे तो जनार्दन जी ने मास्टर जी आज्ञा ली, अच्छा मास्टर जी, अब मैं चलता हूं और जरा जिस काम के लिए आया हूं वो पहले निपटा लूं। स्टेशन मास्टर ने कहा, आप रुकेंगे कहां? उन्होंने जवाब दिया, जी, वहीं उस पुरातत्व विभाग का एक छोटा सा ऑफिस है वहीं। स्टेशन मास्टर ने कहा, फिर ठीक है, मैंने सोचा था अगर आपके पास कोई जगह नहीं होगी रुकने की तो कह दूंगा, आप मेरे यहां रुक सकते हैं। जनार्दन बोले, ओह, आपने ऐसा सोचा, आप सचमुच में बहुत अच्छे हैं मास्टर जी, वरना आज के जमाने में कोई किसी अजनबी को अपने यहां रुकाने की नहीं सोचता। आपका तहे दिल से शुक्रिया मास्टर जी। स्टेशन मास्टर ने कहा, इसमें शुक्रिया की कोई बात ही नहीं है जनार्दन जी, आप यहां के मेहमान हैं और मेहमान हमारे यहां आज भी भगवान स्वरूप होता है। जनार्दन बोले, अब जाते समय आपसे मुलाकात होगी मास्टर जी। मास्टर ने जवाब दिया, जी, आभार आपका जनार्दन जी। केबिन से निकलने के बाद जनार्दन जी ने देखा आधा प्लेटफॉर्म कच्चा तथा आधा प्लेटफॉर्म पक्का था। कच्चे प्लेटफॉर्म के किनारे एक गूलर का पेड़ था और उस गूलर के पेड़ के नीचे एक सामान्य कद काठी का लड़का अपनी 5 भेड़ों के साथ बैठा था। उसने मैले धोती कुर्ता के साथ एक मैला सा केसरिया रंग का साफा भी बांध रखा था। उसके भेड़ें बड़े आराम से गूलर के पत्ते चबा रही थी और वो बैठा बैठा ऊंघ रहा था। अनचाहे ही जनार्दन जी के पांव उस लड़के की ओर बढ़ गए। उन्होंने उस लड़के के पास जाकर पूछा, ये तुम्हारी भेड़ें हैं? उसने कहा, हां साहब, ये म्हारी भेड़ें हैं। लड़का ने फिर कहा, क्यों काय बात होगी साहब, हमारे से या म्हारी भेड़ों से कोई गलती होगी? कि जनार्दन जी बोले, अरे नहीं नहीं, डरो नहीं, मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। उसने कहा, ओ अच्छा साहब। जनार्दन जी जानबूझकर पूछते हैं, राजस्थानी हो? लड़का बोला, हां साहब, अट तो मैं सब मारवाड़ी ही हां। इतनी बात करने के बाद जनार्दन जी आगे बढ़ गए।
जरा सी दूर जाने के बाद जनार्दन जी ने पीछे मुड़कर उस लड़के को देखा तो वो भौचक्के रह गए। वहां उस गूलर के पेड़ के नीचे न कोई लड़का था न वहां कोई भेड़ थी। उस सुनसान स्टेशन की तरह वो गूलर का पेड़ भी सुनसान था। अब जनार्दन जी की हवा टाइट हो गई। उन्होंने डरते डरते अपने कदमों की चाल तेज की और प्लेटफॉर्म से बाहर आ गए। प्लेटफॉर्म से बाहर आने के बाद उन्होंने देखा सड़क के दूसरी तरफ एक लड़की रस्सी पर हाथ में बांस लिए अपने कर्तव्य दिखा रही है और एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके पास खड़ा लोगों को आवाजें लगा लगा कर कर्तव्य देखने के लिए बुला रहा है। जनार्दन जी को वो कर्तव्य देखने की बड़ी इच्छा हुई सो उन्होंने उस ओर अपने कदम बढ़ा दिए। पास जाने पर उन्होंने देखा एक फटे हाल गाड़ियां लुहार के परिवार की एक किशोर वय लड़की जिसने ऊंची सी गुलाबी रंग की फ्रॉक पहन रखी थी और भूरे गंदे से बालों में लाल रंग के रिबन से कसकर दो छोटी बांधी हुई थी। उसके मुंह में एक सिक्का दबा हुआ था और वो बड़े आराम से बांस के सहारे बांधे रस्सी पर बांस लिए चल रही थी। और वो अधेड़ उम्र का आदमी जो उसका शायद पिता था वो कर्तव्य देखने आए लोगों से पैसे लेकर इकट्ठा कर रहा था। जनार्दन जी को उस लड़की पर बड़ी दया आई। उन्होंने उसके पिता से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस छोटी सी लड़की को पढ़ाने की जगह ऐसी रस्सी पर चला रहे हो? ये सुन उसका पिता बोला, ये हमारा पुस्तैनी काम है साहब, और मैं भी कोई निठल्ला कोणी हूं, गरम लोहा पीटता हूं। वो देखो उसकी माँ हम सब के लिए लहसुन की चटनी और बाजरी रा रोट बना रही है। आप बड़े लोग हो साहब, सो बड्डी बड्डी बाता करो हो। ई गांव में स्कूल कोणी और दूसरा गांव में पड़ाबारी म्हारी औकात कोणी साहब। ये सब सुन जनार्दन जी ने वहां से जाना ही उचित समझा और वो अपने उस छोटे से ऑफिस की ओर पैदल पैदल बढ़ गए। कुछ कदम आगे चलने पर उन्होंने फिर पीछे मुड़कर देखा तो वो कर्तव्य दिखा रही लड़की उनको देखकर मुस्कुरा रही थी। ये देख उनका थोड़ा डर कम हुआ। उस लड़की की मुस्कान उनको बड़ी प्यारी लगी। उन्होंने कुछ कदम आगे चलने के बाद सोचा, उस लड़की को कुछ पैसे देखकर आता हूं। ये सोच वो जैसे ही पीछे मुड़े उन्हें वहां कोई नजर नहीं आया। ये देख उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब वो इधर उधर बिना देखे जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और मन ही मन अपने अधिकारियों को गरियाने लगे। सालों ने मुझे इस भूतों के गांव में भेज दिया, मैं भी ज्यादा पैसों के लालच में यहां आ गया। अब तो लगता है मैं भी इन्हीं की तरह भूत बनने वाला हूं। जैसे तैसे हनुमान चालीसा का पाठ जोर जोर से बोलते हुए जनार्दन जी पुरातत्व विभाग के ऑफिस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां तो रुकने की कोई व्यवस्था है ही नहीं। उल्टा उनके वहां जाते ही एक एड्रेस के साथ नक्शा थमा दिया वहां बैठे एक बूढ़े आदमी ने और उनसे बोला, आपको यहां इस जगह पर जाना है। अब तो जनार्दन जी को यह बूढ़ा भी कोई भूत ही नजर आ रहा था। उनकी जान अब हलक में अटकी थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। वो ये सब सोच ही रहे थे कि एक नौजवान ने आकर उनसे कहा, मैं यहां का इंचार्ज हूं और आपको मेरे साथ ही इस एड्रेस पर चलना है। जनार्दन जी अब इतने डरे हुए थे कि उन्होंने उस नौजवान को ऐसे देखा जैसे कि वो कोई भूत हो। उन्होंने उसके पैरों की तरफ देखा, फिर उसकी उंगलियों की तरफ देखा और फिर चार कदम चलकर पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा तो वो नौजवान बोला, ये आप क्या कर रहे हैं सर? आप किसी भूत वूत से मिलकर तो नहीं आ रहे हैं जो ऐसे मेरा मुआयना कर रहे हैं? जनार्दन जी उसकी बात सुनकर बोले, यही समझ लीजिए सर जी, सुबह से यहां भूतों से ही मिल रहा हूं और बातें कर रहा हूं, फिर भी जिंदा हूं। ये बोल जनार्दन जी एक कुर्सी पर धम से बैठ गए। जनार्दन जी कुर्सी पर बैठकर एक गहरी सांस लेते हैं और उस नौजवान से कहते हैं, देखिए सर जी, अभी मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है। स्टेशन से पैदल पैदल चलकर यहां आ रहा हूं। सुबह से न कुछ खाया है न कुछ पिया है। नहाना तो छोड़िए, फ्रेश भी नहीं हुआ हूं। बस सुबह से भूतों से मेरी मुलाकात हो रही है। ये सुनकर वो नौजवान कहता है, सर मेरा नाम हरीश वाजपेयी है, कृपया आप मुझे हरीश ही कहे सर न कहे, क्योंकि आप मुझसे ओहदे और उम्र दोनों में बड़े हैं। फिर हरीश जनार्दन जी से आगे कहता है, और सर जी ये गांव तो है ही भूतों का गांव, तभी तो यहां कोई नहीं आना चाहता। आप पता नहीं यहां कैसे आ गए और सही सलामत ऑफिस भी पहुंच गए। मैं तो यही इसी गांव में रहता हूं,
इन भूतों से निपटने के लिए मैंने कई ताबीज और धागे बांध रखे हैं अपनी कमर पर। और इन भूतों की खास बात यह है कि ये यहाँ रहने वालों को न दिखाई देते हैं, न तंग करते हैं और न ही कोई नुकसान पहुँचाते हैं। ये दिखाई भी बस बाहर से आने वालों को देते हैं। अब ये सब सुनकर जनार्दन जी और अधिक डर जाते हैं और हरीश से कहते हैं, अब मैं आज रात की ही गाड़ी से वापस जा रहा हूँ, नहीं रहना अब मुझे यहाँ। नौकरी जाती है तो जाए, जिंदा रहूँगा तो ऐसी हजार नौकरियाँ मिल जाएंगी। और जनार्दन जी की घबराहट देखकर हरीश उनको ढांढस बंधाता है और चाय की दुकान से चाय मंगवाता है और कहता है, जैसा आपको उचित लगे वो कीजिएगा जनार्दन जी, पर गाड़ी तो यहाँ एक ही आती है और वो अब कल सुबह ही आएगी। आप चाय पीकर मेरे यहाँ चलिए, फ्रेश होकर नहा धो लीजिए, खाना भी मेरे यहाँ ही खा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ न तो कोई होटल है न धर्मशाला, और यहाँ ऑफिस में भी वो मेहमानों के ठहरने वाला कमरा गंदा पड़ा है। अब यहाँ कोई मेहमान तो आता नहीं है, इसलिए यहाँ भी सब बंद और गंदा पड़ा रहता है। जनार्दन जी कहते हैं, ठीक है। फिर चाय आ जाती है, जनार्दन जी, हरीश और वो बूढ़ा चाय पीने लग जाते हैं। चाय पीकर जनार्दन जी मन ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हरीश के साथ उसके घर आ जाते हैं। फिर नहा धोकर फ्रेश होने के बाद खाना खाते हैं जो हरीश की बीबी ने बनाया था। बाजरे की रोटी, कैर, सांगरी का साग, लहसुन की चटनी और छाछ। खाना खाकर जनार्दन जी की तबीयत खुश हो जाती है। तब हरीश उनसे कहता है, सर आप यहाँ नहीं आते तो कोई बात नहीं थी, पर अब आप यहाँ इस गांव में आ ही गए हैं तो मेरी मानिए, अब उस जगह को चलकर देख ही लीजिए, वहाँ पहले भी खुदाई में एक बावड़ी मिल चुकी है। अक्सर वहाँ खुदाई में कभी सिक्के तो कभी मूर्ति तो कभी कंकाल निकलते रहते हैं। यहाँ के जानकर कहते हैं कि कोई खजाना भी गड़ा हो सकता है वहाँ पर। जनार्दन जी हरीश की बात सुनकर चौंक कर कहते हैं, खजाना? हरीश कहता है, हाँ सर खजाना, कुछ साल पहले जिप्सी में कुछ लोग एक तांत्रिक को अपने साथ लेकर यहाँ इस गांव में आए थे। उन्होंने वहाँ पर रात के अंधेरे में खुदाई भी की थी, लेकिन भूतों के कारण वो यहाँ ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए थे। उनके जाने के बाद गांव के कुछ लोगों को वहाँ सोने चांदी के कुछ सिक्के मिले थे। ये खबर आग की तरह फैल गई थी। फिर सरकार को इसकी खबर लगी तो वहाँ आम लोगों के जाने पर प्रतिबंध लग गया था। ये सब सुनकर जनार्दन जी कुछ सोचने लग जाते हैं, फिर कहते हैं, अब गाड़ी तो कल सुबह ही मिलेगी तो चलो आज उस जगह का मुआयना कराते हैं, पर पहले मुझे भी कहीं से कुछ ताबीज वाबीज ला दो भाई, वरना यहाँ के भूत कहीं मुझे भी भूत न बना डाले। हरीश मुस्कुराकर कहता है, जो हुक्म सर जी। फिर हरीश जनार्दन जी को गाँव के एक तांत्रिक के पास ले जाता है। तांत्रिक जनार्दन जी की कमर पर मंत्र फूंक कर एक साथ चार ताबीज बांध देता है और कहता है, लो सर जी कर दिया इन भूतों का जापता, अब भूत तो क्या भूतों का बाप भी थारा कुछ कोणी बिगाड़ सके है। जनार्दन जी मुस्कुराकर उस तांत्रिक को 200 रुपये पकड़ा देते हैं और हरीश के साथ उस जगह के मुआयने के लिए निकल पड़ते हैं। तांत्रिक के यहाँ से निकलने के बाद हरीश जनार्दन जी से कहता है, उसे 200 रुपये क्यों पकड़ा दिए सर जी, 50 रुपये में भी काम चल जाता। इस पर जनार्दन जी कहते हैं, भाई भूतों का सवाल था, वरना ये भूत तो मुझे भी भूत ही बना डालते, वैसे 200 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं है। हरीश कहता है, हाँ सर जी सही कह रहे हो आप। करीब आधा घंटे बाद दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां जिस जगह का मुआयना करने के लिए जनार्दन जी यहाँ आए थे। वहां गर्म हवा तेजी से चल रही थी, रेत के टीले सोने से चमक रहे थे और हर जगह खड्डे ही खड्डे बने हुए थे। खेजड़ी के पेड़ उन खड्डों में भी किसी सिपाही की तरह मुस्तैदी से खड़े हुए थे। जनार्दन जी ये सब देख ही रहे थे कि उनको फिर एक गडरिया दिखाई दिया। वो एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे से जनार्दन जी को ही घूर घूर कर देख रहा था। उसकी आंखें बटन जैसी थी और उसके सर पर एक मैला कुचैला सा एक धोती का साफा बांधा हुआ था। उसकी भेड़ें वहीं खेजड़ी के नीचे झूलती डालियों के पत्ते चबा रही थी, कांटों के बीच भी। जनार्दन जी को वो गडरिया किसी भूत से कम नहीं लग रहा था। उन्होंने जल्दी से हरीश से कहा, वो देखो भूत, पक्का ये भी भूत है, ऐसे ही एक भूत से मैं पहले भी स्टेशन पर मिल चुका हूँ,
हरीश जनार्दन जी की बात सुनकर मुस्कुराकर कहता है, आपको तो सर जी अब हर जगह भूत ही भूत नजर आ रहा है। ये भूत नहीं सचमुच का गडरिया है। यहां अक्सर ऐसे गडरिये आपको अपनी भेड़ें और बकरियां चराते दिख जाएंगे। तभी एक मध्यम आयु वर्ग और मध्यम कद काठी की औरत काले रंग के कपड़ों में अचानक वहां आ जाती है। ये देख जनार्दन जी घबरा जाते हैं। उनको वो भूतनी के जैसे लगती है। उसने काले रंग का बहुत अधिक घेरदार लहंगा, चोली और ओढ़नी ओढ़ रखी थी। हाथों में सफेद, लाल, हरे रंग की चूड़ियां कोहनी तक चढ़ा रखी थी। वो बहुत अजीब लग रही थी। वो तपती रेत पर मोजरी पहने तेज तेज चलते हुए उन दोनों के पास आकर रुक जाती है। जनार्दन जी उसको देख जल्दी से हरीश के पीछे खड़े हो जाते हैं। हरीश जनार्दन जी की ये हालत देख उनको कहता है, सर जी ये भूतनी नहीं है, रुदाली है, किसी के यहां से मातम में रोकर आ रही है। जनार्दन जी कहते हैं, रुदाली? हरीश कहता है, हाँ सर जी रुदाली, यहां राजा महाराजाओं के जमाने से रुदाली प्रथा चली आ रही है। आज भी जो बहुत अधिक अमीर लोग होते हैं वो अपनी शानो शौकत के हिसाब से इन रुदालियों को अपने यहां किसी की मौत पर रोने के लिए बुलाते हैं। ये रुदालियां गरीब और नीची जात की औरतें होती हैं। रुदाली उनके पास आकर घूंघट की आड़ में से रोती हुई उन दोनों को कहती है, साहब जी यह जमीन सरकार की है, आप दोनों यह जमीन कौन खरीद सको हो। चार दिन पहला भी अठिक साहब जी आया था, इंची टेप से कुछ नाप रिया सी अठ, पन के बेरो काई बात हुई बे, अठ से सर पर पैर रख भाग गया, शायद कोई भूत देख लिया उनने। तब जनार्दन जी आश्चर्य से कहते हैं, क्या यहां कोई और भी आया था यहां का मुआयना करने? ये बोल वो औरत जिस रफ्तार से आई थी उसी रफ्तार से उन मिट्टी के ढोरों में देखते ही देखते गायब हो जाती है। जनार्दन जी बोले, अरे कहां गई, अभी तो यहीं खड़ी थी। अब हरीश भी डर जाता है। वो जनार्दन जी से डरते डरते कहता है, साहब जी वो रुदाली लगता है कोई भूतनी थी, इसलिए ऐसे गायब हो गई है। वो हमें डराने रुदाली के वेश में यहां आई थी, पर हमने ताबीज पहन रखे है तो गायब हो गई। ये सुन जनार्दन जी बहुत अधिक डर जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें मरना हो तो मरो भाई, मैं तो अब यहां एक पल नहीं रुकने वाला। यहां तो कब कौन सा भूत आ टपके कुछ पता नहीं चलता है। बड़ा अजीब भूतों का गांव है ये। जनार्दन जी गुस्से और डर के साए में जीप में बैठ जाते हैं। पीछे पीछे हरीश भी जाकर जीप में ड्राइवर की सीट संभाल लेता है। हरीश जैसे ही जीप स्टार्ट करता है उसकी जीप के सामने एक बकरी आ जाती है। बकरी को देखकर हरीश जल्दी से ब्रेक लगता है, लेकिन तब तक बकरी जीप के नीचे आ चुकी होती है। ये देख हरीश और जनार्दन जी बहुत डर जाते हैं। हरीश के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लग जाती हैं। कोई लड़ने और मुआवजा मांगने ना आ जाए, ये सोच हरीश जल्दी से जीप स्टार्ट करता है, लेकिन जीप स्टार्ट नहीं होती। हरीश फिर जीप स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जीप स्टार्ट नहीं होती तो जनार्दन जी झल्ला जाते हैं और कहते हैं, अब ये जीप क्यों नहीं स्टार्ट हो रही, कहीं इसमें उस बकरी की आत्मा तो नहीं घुस गई। ये सुनकर भी हरीश कुछ नहीं कहता। वो जीप से उतरकर जीप का पेट्रोल चेक करने लग जाता है और मन ही मन डर रहा होता है कि कहीं कोई आ ना जाए इस बकरी का मालिक बनकर। हरीश जो मन ही मन सोच रहा था वो सच हो जाता है। बकरी का मालिक हरीश के सामने प्रकट हो जाता है। उसका मुंह गुस्से से लाल हो रहा था। वो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। उसके धोती कुर्ता मैले थे, सर का साफा भी बहुत गंदा था, पर उसने कानों में सोने में मुरकियां पहन रखी थी। मुरकियां पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली बलिया होती है, और उसने एक हाथ में मोटा चांदी का कड़ा पहन रखा था। उसके हाथ में एक मोटा डंडा भी था जिससे वो बकरियां हांकता था। वो मोटा डंडा जीप पर मारते हुए बकरी के मरने का वहीं जोर से रोकर मातम मनाने लग जाता है और हरीश और जनार्दन जी से अपनी बकरी को मारने की कीमत मांगने लग जाता है। म्हारी बकरी मार दी तुम लोग ना, म्हारी बकरी 5 सेर दूध देती थी, अब म्हारा टाबर के पिसी बताओ, अब थे दोनों म्हारी बकरी की रकम निकालो। ये रो रो कर बोलते हुए वो उस मरी हुई बकरी को अपनी गोद में उठा लेता है और मरी बकरी को चूमने लग जाता है। जनार्दन जी और हरीश चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे और उसकी हरकतें देख रहे थे। फिर जनार्दन जी हरीश की तरफ देखकर कहते हैं,
इसकी ये पिद्दी सी बकरी 5 सेर दूध देती थी हरीश। हरीश कहता है, ये सब पैसे ठगने की तरकीबें हैं सर इन लोगों की। अब हरीश उस बकरी वाले को चिल्लाकर कहता है, जे थारी बकरी इत्तो दूध दियो तो फिर इन गर्मी री हालत माई अठे क्यों छोड़ दियो गयो। अर महारे सागे चालबाजी मत करो, मैं कोई 12 रो आदमी हूं, अर मैं गांव रो हूं, समझो या नहीं समझो। अर या तो आ सरकारी जमीन है, 8 आणो भी मना है, फिर बताओ थारी बकरी 8 क्यों पूगी। ग्रामीणा नए मुफ्त में खावण री आदत पड़गी ही। हरीश गुस्से में बोलता जा रहा था और वो बकरी चराने वाला गडरिया हरीश को अपनी मोटी मोटी आंखों से घूरे जा रहा था। और फिर वहां अचानक आंधी चलने लग जाती है जिससे हरीश की आंखों में मिट्टी चली जाती है, वो अपनी आंखें मसलने लग जाता है। जनार्दन जी भी अपनी उड़ती धूल के कारण अपनी आंखें मसलने लग जाते हैं। फिर जैसे ही दोनों अपनी आंखें खोलते हैं तो वहां उन दोनों को न बकरी दिखती है न वो बकरी का मालिक नजर आता है। ये देख जनार्दन जी और हरीश दोनों बहुत डर जाते हैं। जनार्दन जी गुस्से में हरीश से कहते हैं, थोड़ी देर और जीप स्टार्ट नहीं हुई तो हम दोनों भी यहां ऐसे ही बकरियां चराएंगे, भूत बनकर समझे तुम। अब जल्दी से कोई और इंतजाम करो यहां से निकलने का। हरीश और जनार्दन जी को वहां उस जगह से निकलने के लिए कोई साधन नहीं मिलता है। मिलता भी कैसे, खंडहर और उजड़े गांव में इक्के दुक्के मकान ही बचे थे और वहां से पैदल निकलना भी बड़ा मुश्किल था। एक तो रेत के बड़े बड़े टीले और सर पर तपता सूरज। अब उन दोनों के पास पीने का पानी भी खत्म हो रहा था और खाने को तो वो लोग कुछ लाए ही नहीं थे। जनार्दन जी हताश हो रहे थे और हरीश किसी तरह जीप ठीक करने में लगा था। दरअसल जीप का इंजन बहुत गर्म हो गया था और वो बंद पड़ गई थी। हरीश हर तरह से उसे ठंडा करने का जुगाड़ कर रहा था पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। अब उन दोनों को भूतों से डर कम, कहीं यहां रात न बितानी पड़ जाए इस बात का डर अधिक लग रहा था। भूतों से डर कम का कारण यह था कि अभी तक जनार्दन को कोई खतरनाक भूत नहीं मिला था। जितने भी मिले थे सब उनको दर्शन देकर गायब हो जाते थे। अब धीरे धीरे रात घिर रही थी और मौसम भी ठंडा हो रहा था। वो सुनसान जगह अब और अधिक सुनसान और डरावना प्रतीत हो रहा था। रात के 8 बज जाते हैं और वो दोनों जीप के अंदर बैठे बैठे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। भूख प्यास अब सब गायब हो चुकी थी दोनों की। वो दोनों जीप में बैठे बैठे बस रात गुजरने का इंतजार कर रहे थे। रात के 12 बजे उन दोनों को एक ऊंट दिखाई देता है जो उनकी ही तरफ आ रहा था। अब खतरे की घंटी बज चुकी थी जिससे दोनों अनभिज्ञ थे। ऊंट की आंखें किसी ट्यूबलाइट की तरह जलबंद हो रही थी। जैसे जैसे वो पास आ रहा था उस पर बैठा एक लड़का साफ दिखाई देने लगा था। वो लड़का बहुत डरावना था। उसके माथे पर टांके लगे थे, हाथ पैरों पर खुले जख्म से खून रिस रहा था, बाल सारे खड़े थे जो भूरे रंग के थे, उसके दांत भी थोड़े बड़े और नुकीले थे। जनार्दन जी और हरीश को ऊंट तो दिख रहा था पर उस पर बैठा लड़का उनको नहीं दिख रहा था। वो जीप में बैठे अपने डर को भगाने की कोशिश कर रहे थे और जनार्दन जी हनुमान चालीसा के साथ साथ हरीश को डांटे भी जा रहे थे। ऊंट ने उनके पास आकर उनकी जीप को एक जोरदार धक्का मारा। धक्का लगने से वो दोनों जीप से लुढ़क कर बाहर गिर पड़े। जब उन्होंने अपनी गर्दन ऊपर उठाकर देखी तो दोनों की घिघी बंद गई, उनकी सांस हलक में अटक गई। ऊंट पर बैठे लड़के ने जोर से अट्टाहस किया और बोला, हूं आज मत थारा खून पीकर अपनी 30 बुझाऊंगा, मन बहुत जोर की 30 लाख रीसा। ये बोलकर वो लड़का हरीश की तरफ बढ़ने लगा। वो लड़का एक नरभक्षी भूत था जो रात के अंधेरे में अपने शिकार पर निकलता था। हरीश उस नरभक्षी को अपनी तरफ बढ़ता देख खूब जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलने लग जाता है पर उस नरभक्षी पर किसी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था, न तो हनुमान चालीसा का और न उसकी कमर पर बंधी ताबीज का। उसकी शक्तियां तो रात में इतनी बढ़ जाती कि वो भयानक से भयानक जानवर का भी बड़े आराम से खून पी जाता था, लेकिन उसकी शक्तियां सूरज निकलने पर चली जाती थीं और वो एक आम भूत बन जाता था। इसलिए वो रात के अंधेरे में अपने शिकार पर निकलता था। वो हरीश की तरफ ऐसे बढ़ रहा था जैसे प्रकाश अंधेरे को चीरता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है। वो हरीश के करीब जाकर हरीश को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठता है और जोर से हंसता है और कहता है,
तुझे भूतों के डर नहीं लगता क्यों? ताबीज का गट्ठर अपनी कमर पर बांधकर इतराता फिरता है क्यों? अब बुला अपने उस तांत्रिक को तुझे बचाने के लिए। हरीश की गर्दन को उस नरभक्षी ने इतनी जोर से पकड़ रखा था कि हरीश की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई थी। हाथ पांव फड़फड़ाकर शांत हो चुके थे। उस नरभक्षी ने फिर जोर से एक ही झटके में हरीश को नीचे पटक दिया और उसकी गर्दन पर अपने लंबे लंबे दांत गड़ाकर उसका खून पीने लगा। खून पीता हुआ नरभक्षी बहुत ज्यादा भयावह लग रहा था। हरीश के खून की धार उसके पेट में जाने के साथ साथ उसके चेहरे पर भी बह रही थी। पूरा खून पीने के बाद वो हरीश का मांस नोच नोच कर खाने लग जाता है। ये सब अपनी आंखों के सामने होता देख जनार्दन जी बचाओ 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 चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गए थे। अब सुबह के 5 बज रहे थे और बादलों के बीच से सूरज की किरणें झांकने लगी थी और सूरज के निकलते ही वो नरभक्षी भूत गायब हो जाता है। लेकिन जनार्दन जी को होश नहीं आता। जनार्दन जी के पास ही हरीश के मांस के कुछ बचे टुकड़े रेत पर पड़े थे जिसमें काली चींटियां लगी थी। वो काली चींटियां हरीश के मांस पर रेंग रही थी। अब वहां मांस के टुकड़े पड़े देख एक दो गिद्ध भी उन पर मंडराने लगे थे। उधर जब सारी रात हरीश घर नहीं पहुंचता तो हरीश की पत्नी पुरातत्व विभाग के ऑफिस पता लगाने पहुंच जाती है कि हरीश अभी तक घर क्यों नहीं लौटा है। हरीश और जनार्दन जी के लापता होने की खबर पाकर ऑफिस के 2 स्टाफ वहां जाते हैं जिस जगह का मुआयना करने जनार्दन जी हरीश के साथ गए थे। वहां पहुंचकर ऑफिस के स्टाफ को वहां कोई नजर नहीं आता है क्योंकि रेत जब उड़ती है तो हर चीज पर बैठकर धुंधला कर देती है। वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं, यहीं तो आए थे हरीश और जनार्दन जी, इसी जगह का मुआयना करने आए थे, पर यहां तो कोई नहीं दिख रहा है, कहीं वो कहीं और तो नहीं चले गए। फिर दोनों के मुंह से एक साथ निकल पड़ता है, कहीं किसी भूत के हत्थे तो नहीं चढ़ गए वो दोनों, कहां गायब हो गए दूर, दूध तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी एक कहता है, वो देख वो जीप खड़ी है वहां। दूसरा भी ध्यान से देखता है तो उसे भी वहां जीप खड़ी दिखती है। वो दोनों जीप के पास आते हैं। उन दोनों को जीप के पास आते ही जनार्दन जी दिखते हैं रेत में पड़े कहराते हुए। जनार्दन जी रेत में पड़े कहराते हुए बोले, पानी पानी पानी। ये देख वो दोनों जल्दी से जनार्दन जी को उठाकर जीप में लिटाते हैं और अपने साथ लाए पानी की बोतल से उनको पानी पिलाते हैं। पानी पीकर जैसे ही जनार्दन जी को पूरा होश आता है वो जोर से चीखते हैं, हरीश, और फिर वो बेहोश हो जाते हैं। उनके बेहोश होने से वो दोनों भी डर जाते हैं। तभी एक कहता है, वो देख मांस के टुकड़े। दूसरा भी उन टुकड़ों को देखकर कहता है, लगता है कल रात कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है यहां इन दोनों के साथ। वो दोनों वहां आसपास हरीश को आवाज लगाकर ढूंढते हैं पर हरीश उन दोनों को वहां नहीं मिलता। वो दोनों उन मांस के टुकड़ों को देखकर अंदाजा लगाते हैं, कहीं ये हरीश के मांस के टुकड़े तो नहीं है ना। और फिर एक कहता है, सुन यहां से जल्दी से जनार्दन जी को लेकर निकल चलते हैं, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही है। एक तो ये गांव है ही भूतों का, ऊपर से यहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। दोनों जीप को वहीं छोड़ बेहोश जनार्दन जी को बाइक में अपने बीच में बिठाकर ऑफिस ले आते हैं। जनार्दन जी को ऑफिस लाने के बाद उन पर ठंडे पानी के छींटे मारे जाते हैं लेकिन जनार्दन को होश नहीं आता। तो उनमें एक वैद्य जी बुलाकर लाता है जो पास ही में रहते थे। वो आकर जनार्दन जी की नाड़ी देखते हैं और कहते हैं, कुछ खास बात नहीं है, इनको सदमा लगा है, 1-2 घंटे में खुद ही ये होश में आ जाएंगे। करीब 2 घंटे बाद उनको होश आता है तो वो रात की पूरी घटना ऑफिस के सभी लोगों को सुनाते हैं। घटना सुनाते हुए भी जनार्दन जी कांप रहे होते हैं। हरीश की इतनी भयानक मौत सुन वहां सभी लोगों की रूह तक कांप जाती है। हरीश की मौत की खबर उसके घर पर पहुंचा दी जाती है। अब सुबह के 10 बज रहे थे और एक गाड़ी वहां आने वाली थी। जनार्दन जी अब और इस गांव में रुककर अपनी मौत को आमंत्रण नहीं देना चाहते थे, इसलिए ऑफिस के एक स्टाफ के साथ रेलवे स्टेशन आ जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर आते ही फिर उनको एक गडरिया गूलर के पेड़ के नीचे बैठा दिखता है। इस बार उसके पास जाना तो दूर, वो उस गडरिये को देखकर भी कांपने लग जाते हैं।
ऑफिस से उनके साथ आया वो स्टाफ का आदमी उनको टिकट लाकर गाड़ी में बैठा देता है। जनार्दन जी हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद करते हैं और फिर कभी इस गांव की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। हरीश की पत्नी को गुजारा भत्ता दिया जाता है। सरकार इस गांव के लोगों की सुरक्षा के लिहाज की दृष्टि से ये गांव खाली करवा लेती है। अब इस गांव में सिर्फ भूत रहते हैं। न कोई रेलगाड़ी यहां इस स्टेशन पर रुकती है, न कोई आदमी अब यहां आता है। अब ये गांव सिर्फ भूतों को ही समर्पित हो गया है, हमेशा हमेशा के लिए। तो साथियों, ये थी कुलधरा के अंदर जनार्दन जी की आपबीती जो उन्होंने वहां पर झेली है। अब आप लोग इसको मानते हैं या नहीं मानते, मैं ये आपके विवेक पर छोड़ता हूं और मुझे यकीन है कि आपको ये स्टोरी काफी पसंद आई होगी। साथियों, मैं जानता हूं कि काफी कम लोग ऐसे होते हैं जो आखिर तक स्टोरी को सुन रहे होते हैं। तो अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से है जो आखिर तक सुन रहे हैं, तो फिर कमेंट में लिखिए, हम हैं मिस्टर एक्स की लॉयल फैमिली जो आखिर तक सुनते हैं पूरी स्टोरी। इससे मैं समझ जाऊंगा कि आपने स्टोरी को अंत तक सुना है और आपका नाम अगली स्टोरी में जरूर लूंगा। और साथियों, मैं यहां पर धन्यवाद करना चाहूंगा नीलम अग्रवाल जी का, जिन्होंने आपके लिए यह पूरी स्टोरी तैयार की है। चलिए अब हम अपने लॉयल दोस्तों के नाम लेते हैं। रजनीश कुमार सिंह सारण बिहार, रुचि सिंह कोल्हापुर, शिवकांत शर्मा अहमदाबाद, विजय रामधारी, स्वाति देशमाने महाराष्ट्र, सूचि पटेल लंदन, अंकेश जबलपुर, राखी बानो, आजम खान मदीना सऊदी अरब, कुसुम मिश्रा छत्तीसगढ़, मोनिका दास गुप्ता अरुणाचल प्रदेश, सूरज वर्मा चंडीगढ़, वीरेंद्र कुमार हनुमानगढ़। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली स्टोरी पर।